अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूं यानी आज हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स टेंथ क्लास यूनिट नंबर फाइव सेट्स एंड फंक्शंस इसकी जो सब्जेक्टिव पार्ट पार्ट की वीडियोज़ हैं वो तो हो चुकी एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो के पेपर के कुल नंबर्स का बीस परसेंट होते हैं यानी आपका पेपर सेवेंटी फाइव नंबर्स का होता है उसमें से फिफ़्टीन नंबर यानी पंद्रह नंबर के एम सी क्यूज़ करने वाले सवाल होते हैं यानि वो सवाल होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दे दी गई होती है और उसके चार नीचे जवाब दे दिए गए होते हैं उन चार में से आपने जो एक दुरुस्त होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जवाब एक से ज़्यादा होते हैं आपने एक दुरुस्त जवाब मंतखब करना होता है तो यूनिट नंबर फाइव सेट्स एंड फंक्शंस मिसलिनियस एक्सरसाइज फाइव शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अब सब्जेक्टिव पार्ट के साथ साथ एम की तैयारी भी शुरू कर दें क्योंकि इम्तहान आ गए अब मैक्सिमम तीन माह हैं आपके पास नब्बे दिन हैं काउंट डाउन शुरू हो गया तो इसलिए तैयारी बढ़ा दें अपनी स्टडी का वक़्त बढ़ा दें ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ पहला ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और नीचे कहता है फोर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टिक मार्क द करेक्ट आंसर उसने टिक कहा लेकिन हम टिक नहीं करेंगे हम सर्कल करेंगे करेक्ट आंसर के गिर्द डियर स्टूडेंट्स एम सी क्यूज नंबर वन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट यह डेफिनेशन भी बनती है सेट की तो क्या है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट तो सी ऑप्शन है इसके गिर्द सर्कल कर देते हैं दूसरा एमसीक्यूज़ है अ सेट क्यू इज इक्वल टू ए ओवर बी फर आल ए बी बिलोंग्स टू जेड कहता है एक सेट है ए बटे बी की शक्ल में है ए और बी का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से है एंड और जो बटे में बी है नॉट इक्वल टू जीरो बटे वाला बी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ओवर बी फिर रैशनल नंबर होता है तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो जाएगा ज कॉल्ड अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डी पे टिक कर दें जी सर्कल। डी में लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स तीसरा एम सी क्यूज है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट कहते हैं सेट को कितने तरीकों से बयान किया जा सकता है जी सेट एक्सप्रेस करने के बयान करने के तीन तरीके हैं नंबर एक डेस्क्रिप्टिव फॉर्म नंबर दो टैबुलर फॉर्म नंबर तीन सेट बिल्डर नोटेशन उर्दू में भी सुन लें सेट को लिखने के तीन तरीके हैं बयानिया तरीका अंदराजी तरीक़ा और तरकीम सेट साज तो कितने तरीके हैं सेट को एक्सप्रेस करने के सेट को ज़ाहर करने के डेस्क्राइब करने के तीन तरीके हैं तो सी के गिर्द सर्कल कर देंगे लिखा हुआ तीन पार्ट नंबर फोर एम सी क्यूज नंबर फोर है सेट विद नो एलिमेंट कहता है एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो बच्चों ये होता है एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं बी के गिर्द सर्कल कर दें और यही करेक्ट आंसर है एम सी क्यूज़ नंबर पाँच द सेट एक्स फ़रला एक्स तमाम एक्स का ताल्लुक डब्ल्यू से है डबल्यू का मतलब सेट ऑफ़ होल नंबर्स मुकम्मल अदाद का सेट एंड एक्स इज़ लेस देन वन ज़ीरो वन इसका मतलब लेस आर इक्वल कहता है वो मुकम्मल अदाद लेने हैं जो एक सौ एक से छोटे हों या एक सौ एक के बराबर हों तो मतलब जीरो से शुरू होंगे और वन हंड्रेड वन तक नंबर चलते जाएंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं गिने जा सकते हैं तो कैसा सेट है ये फाइनाइट है ये कौन सा है फाइनाइट जिसको कहते हैं महदूद सेट मुतनाही सेट जिसका कोई एंड हो तो इसका एंड वन ज़ीरो वन है एक सौ एक है तो क्या है क्या लिखा था उसने सेट एक्स फॉर ऑल एक्स मेंबर्स ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस इक्वल टू वन जीरो जीरो से शुरू होते हैं और एक सौ एक तक चलते हैं तो एक सौ एक तक मेंबर्स आसानी से काउंट किए जा सकते हैं गिने जा सकते हैं इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है डियर स्टूडेंट्स एम सी क्यूज नंबर सिक्स एम सी क्यूज नंबर द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एक मेंबर वाले सेट को बोलते हैं वाहदानी सेट या सिंगल्टन सेट नल सेट पावर सेट सिंगल्टन सेट और सबसेट तो सिंगल्टन सेट है ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक मेंबर हो वाहदानी सेट और इंग्लिश में सिंगल्टन सेट कहलाता है सी के गिर्द सर्कल कर दें जी ये हमारा दुरुस्त आंसर है एम सी क्यूज़ नंबर सेवन पावर सेट ऑफ एन एम्पटी सेट तो एमप टी सेट की जो अलामत होती है ना जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है फाई तो फाई के गिर्द ब्रैक, ब्रैकेट लगानी है तो ये क्या हो जाएगा खाली सेट का एमप टी सेट का पावर सेट तो देख रहे हैं ए में सिर्फ एम्पटी सेट है बी में एक मेंबर है सी में दो मेंबर हैं और डी में पावर सेट लिखा गया है एम्प सेट का तो डी इज़ द करेक्ट आंसर डी क्या यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है इसके बाद नंबर एट नंबर एट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इसका एक फार्मूला है टू की पावर एन और टू की पावर कितने मेंबर्स हैं वन टू थ्री थ्री हैं। ये एट आ जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स पावर सेट मालूम किसी सेट के पावर सेट मालूम करने का फार्मूला क्या है टू की पावर एन एन इज द नंबर ऑफ या मेंबर्स ऑफ अ सेट तो इस सेट के मेंबर कितने हैं तीन मेंबर हैं थ्री मेंबर्स हैं टू की पावर थ्री एट बनता है तो देखते हैं सी सी इज द करेक्ट आंसर सी का दुरुस्त आंसर है नंबर नाइन एमसीक्यू नंबर नाइन इफ ए इज द सब सेट और कौन सा कैसा है सबसेट सबसेट तो दो तरह के है ना प्रॉपर और इम्प्रॉपर यह इम प्रॉपर सबसेट है ए इज द सब सेट ऑफ बी फिर यूनियन क्या बड़ा सेट आया करता है यूनियन में बड़ा सेट आता है तो बी है ना बड़ा देखते हैं ये ऑप्शन बी में बी लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा जब दो सेट्स का यूनियन लें दो सेट कैसे हो बच्चों एक सेट बड़ा हो एक छोटा हो तो आंसर बड़ा सेट आया करता है और यहाँ ये बता रहा है ए सब सेट है बी का बी बड़ा है फिर तो बी आंसर आएगा एम सी क्यूज नंबर दस टेन नंबर If A is a subset of B, then A intersection B. ये इंटरसेक्शन है जिसको तकाते भी कहते हैं इसमें आंसर छोटा सेट आया करता है तो यहां ए छोटा सेट है आंसर ए आएगा देखते हैं कहा ए लिखा हुआ है जी किसमें ऑप्शन ए में एमसीक्यूज नंबर टेन का आंसर क्या है ए है नंबर अलेवन ए इज़ सब सेट बी देन ए माइनस बी तो भाई ए तो छोटा सेट है ए में थोड़े मेंबर हैं बी में ज़्यादा हैं एम्प्टी सेट जब ज़्यादा मेंबर थोड़े में से माइनस होंगे ना तो एम्प्टी सेट रह जाएगा ये सी इज़ द करेक्ट आंसर एम्प्टी आगे एम सी क्यूज़ नंबर ट्वेल्व ए यूनियन बी इन टू यूनियन सी इज़ इक्वल टू तो बच्चों यहां सिर्फ ब्रैकेट चेंज होनी है पहले ए और बी में के गिर्द ब्रैकेट है अब बी और सी के गिर्द चली जाएगी कहां चली जाएगी यूनियन उसी तरह ही रहेगा सारा यूनियन ही रहेगा लेकिन ब्रैकेट किसके गिर्द बी और सी के गिर्द तो यूनियन है सी इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है अब उस प्रॉपर्टी की तरफ मैं नहीं जाता आपको समझाने के लिए सिंपल बात यह है कि पहले ब्रैकेट यूनियन है तीनों में तीनों सेट्स में तो पहले ब्रैकेट है ए यूनियन बी के गिर्द फिर बी यूनियन सी के गर्द हो जाएगी। नंबर थर्टीन एम सी क्यूज नंबर ए यूनियन इन टू बीतकाते सी इज इक्वल टू मैं बोलता हूं ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन एनियन सी एज यानी पहले ए का यूनियन लेंगे बी के साथ ए का यूनियन किसके साथ बी के साथ फिर आगे इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे फिर एक का यूनियन सी के साथ लेंगे और ए हमारा करेक्ट आंसर है एम सी क्यूज नंबर थर्टीन का तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे एम सी क्यूज चल रहे हैं ना ये चल रहे हैं बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है या मिसलिनियस एक्सरसाइज वो वाले ज़्यादातर पेपर के अंदर वही आते हैं लेकिन चंद एक साइड से होते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया उसके लिए हम साथ अप टू डेट भी तैयार कर रहे हैं 2020 और 21 का अप टू डेट भी यानी अप टू डेट पेपर के अंदर जो आए हुए हैं तो आज मैंने अप टू डेट पेपर को देखा इस यूनिट नंबर फाइव सेट्स और फंक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज को देखा तो अप टू डेट के अंदर जितने भी एम हैं सारे के सारे बुक वाली एक्सरसाइज में मौजूद हैं इसलिए साथ टू डेट को फिर आज छेड़ने की ज़रूरत नहीं है मैथ के यूनिट नंबर फाइव के लिए तो चलते हैं एमसीक्यूज नंबर फोर्टीन की तरफ इफ ए एंड बी आर देन ए यूनियन बी तो एम्प्टी सेट होगा कहता उनमें कोई रुकन मुश्तरक नहीं है गैर मुतराकब सेट हैं उर्दू में क्या बोलते हैं गैर मुतराकब या गैर मुश्तरक सेट उनमें कोई मेंबर मुश्तरक नहीं है डिसट हैं तो फिर उनका ए एंड बी देन यूनियन क्या होगा तो बी यूनियन ए डी ऑप्शन बी यूनियन ए होगा आगे जी नंबर फिफ्टीन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट ए में थ्री एलिमेंट्स हैं और सेट बी में फोर एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रास बी तो ए क्रास बी के अंदर वो सेट uh, ए के एलिमेंट्स थ्री हैं बी के फोर हैं तो हो जाएगा थ्री फोर द ट्वेल्व ए क्रास बी के कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इनको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर पेयर्स ए क्रास बी के एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे ट्वेल्व ऑर्डर पेयर्स बन बनेंगे जिनको उर्दू में कहते हैं मुतरतब जोड़े तो बारह मुतरतब जोड़े बनेंगे नंबर सिक्सटीन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज थ्री एंड इन सेट बीज टू द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसका फार्मूला आता है टू की पावर एम क्रॉस एन यानी टू की पावर क्या होगा ए, पहले थ्री हैं मल्टीप्लाइड बाय टू ये हो जाएगा टू की पावर सिक्स टू की पावर Six, ये क्या है बाइनरी रिलेशंस हैं बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं ये जो सब्जेक्टिव वीडियोस हैं उनके अंदर डिटेल से बात हो पावर सिक्स बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर तो बच्चों हमने नंबर फिफ्टीन के आंसर नहीं लगाया ट्वेल्व देखते हैं सी में ट्वेल्व है सी पे भी निशान लगा दें जी आगे जी नंबर सेवनटीन एम सी क्यूज नंबर सेवनटीन है डोमेन ऑफ आर आर मीन एक रिलेशन है और डोमेन पता है क्या होते हैं जो ऑर्डर पेयर्स है ना जो मतरतब जोड़े हैं जीरो टू टू थ्री 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 फोर इनको क्या बोलते हैं जीरो टू टू थ्री 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 फोर को क्या बोलते हैं इनको उर्दू में मतरतब जोड़े और इंग्लिश में ऑर्डर पेयर्स और आर क्या होता है रिलेशन और डोमेन क्या होती है जितने भी जोड़े हैं उनके फर्स्ट मेंबर्स पर मुशतमिल सेट फर्स्ट मेंबर क्या हैं जीरो टू थ्री थ्री मेंबर रिपीट नहीं करते तो ज़ीरो टू थ्री देखते हैं ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो टू थ्री बी इज़ द करेक्ट आंसर बी के गर्द ये डोमेन है और अगर रेंज फाइंड करनी होती तो बाद वाले मेंबर्स होते वो टू थ्री और फोर हो जाता अब एम सी क्यूज़ नंबर सेवेंटीन है द रेंज ऑफ लो जी अगला क्वेश्चन आ गया रेंज वाला भी ये थ्री लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है वन है फोर है तो इन ऑर्डर तरतीब से देखेंगे तो बाद में वन भी है टू भी है थ्री भी है यानी पहले तो ये लिखेंगे ना थ्री टू वन फोर फिर इनको तरतीब में लिख देंगे बनेगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सी इज़ द करेक्ट आंसर तो बच्चों क्या है सी क्या है ऑर्डर पेयर के मुताबिक बनता है ना थ्री टू वन फोर यानी पह पहले जोड़े का सेकंड मेंबर थ्री है दूसरे जोड़े का सेकंड मेंबर टू है तीसरे जोड़े का सेकंड मेंबर वन है और चौथे जोड़े का सेकंड मेंबर फोर है तो थ्री टू वन जब इन ऑर्डर लिखेंगे तरतीब से लिखेंगे तो क्या बन जाता है वन टू थ्री और सी इज़ द कुरेक्ट आंसर लास्ट एम सी क्यूज सेकेंड लास्ट सॉरी आगे है जी नंबर नाइनटीन पॉइंट है माइनस फोर माइनस वन और फोर इनके देखने का तरीका ये होता है बच्चों यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव अब पहले माइनस है बाद में प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट ये बी के साथ लिखा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर है आगे देखते हैं जी ये कैसा रिलेशन है इसको फाइंड कर जी तो डियर स्टूडेंट्स रिलेशन दे दिया गया है वन टू टू थ्री 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 और थ्री फोर इज पहले तो देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है वन आएगा टू आएगा थ्री और फोर आएगा जी पहले सेट के इक्वल हो जाएगा क्या है तो पहली कंडीशन पूरी होगी फंक्शन तो हो गया अब रेंज लेते हैं टू थ्री फोर टू थ्री फोर सब सेट बनता है का तो इन टू फंक्शन है क्या है अगर दिए गए रिलेशन की रेंज लें और वो सेट का दिए गए सेट का सब सेट दिया गया सेट क्या होगा ए होगा ए के मेंबर्स क्या बनेंगे ए के मेंबर्स हैं वन टू थ्री और फोर ये सेट ए है जब हमने रेंज ली तो वो आती है रेंज क्या आती है टू थ्री फोर टू थ्री फोर आर क्या है टू थ्री फोर और ये ए का सबसेट है और है भी प्रॉपर सबसेट तो इसको बोलते हैं इन टू फंक्शन होता है फंक्शन की कौन सी टाइप बनती है डियर स्टूडेंट्स इन टू फंक्शन तो ये बी में लिखा हुआ है इन टू तो बी के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं इस तरह हमारे बुक के सारे के सारे एम सी क्यूज बच्चों कंप्लीट हुए अप टू डेट की तरफ तो जा नहीं रहे क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि अप टू डेट के अंदर जितने भी एम सी क्यूज़ हैं सारे के सारे इस एक्सरसाइज के अंदर आ चुके आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोनों में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़